हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है द टेरेस किचन में। आज की वीडियो में हम देखेंगे च्यूई मिल्क टॉफ़ी। ये बहुत आसान है बनाने में और बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। मेरे बेटे को ये बहुत पसंद आई, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कोई मोल्ड ले लें या फिर एक प्लेट भी ले सकते हैं, उसमें आप तेल लगा लें या तो बटर पेपर रख दें। इस तरह से ये जो मोल्ड है ये ज़रा बड़ा ही है, आप छोटा भी ले सकते हैं। फिर एक पैन या कढ़ाई में डालें 1.5 कप मिल्क पाउडर और 1 कप पिसी हुई चीनी और 1/2 कप पानी। हो सके तो नॉनस्टिक पैन यूज़ करें। लो मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएं, पहले अच्छे से मिला लें। पानी की वजह से ये आपको मिक्स करने में आसानी होगी। फिर 15 से 20 मिनट तक इसे पकाएं। इसे पकाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। धीरे धीरे मिक्सचर का कलर भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा ये कैरमलाइज हो जाएगा और जो कढ़ाई या पैन है इसकी साइज को छोड़ने लगेगा। गर्मा गर्म मिक्सचर को तुरंत आप आपके मोल्ड में या प्लेट में ट्रांसफर कर दें और इस तरह से फैला दें। फैलाते टाइम ये चिपचिपा होगा, बट कोई बात नहीं, क्योंकि ये मिक्सचर काफी गर्म होगा तो आप एक पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर ऊपर रख के इस तरह से एक कटोरी से फैला सकते हैं, ताकि जो लेवल है ये बराबर हो जाए। अब इस टॉफ़ी को आप अच्छे से ठंडा हो जाने दें। ठंडा हो जाने के बाद ये सेट हो जाएगी। जब ये सेट हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तो इसे कट करें। इसे आप ठंडा होने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, पर बहुत देर फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत कड़क हो जाएगी और कट करने में आपको दिक्कत आएगी। जिस तरह से नॉर्मल मिठाई कट करते हैं उतनी आसानी से ये कट नहीं होगी, पर एक तेज़ चाकू से आप कट करेंगे तो आराम से हो जाएगी। थोड़ी सी चिपचिपी आपको कट करते समय भी लगेगी। एक इक्लेयर्स वाली टॉफ़ी जिस तरह से च्यूई होती है, ये मिल्क टॉफ़ी वैसी ही च्यूई लगेगी और बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि इसमें है मिल्क पाउडर। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है। आप इस तरह से रैप कर सकते हैं क्लिंग रैप में इसे, या फिर जो चॉकलेट के लिए पेपर्स आते हैं उनमें भी लपेट सकते हैं। इन्हें आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं या फिर बाहर भी रख सकते हैं आराम से। 15 से 20 दिन फ्रिज में रखेंगे तो 1 महीना भी आप इसे रख सकते हैं। बस रैपर में से निकालें और खाएं, और जिस तरह से एक्लेयर्स होती है, च्यूई टॉफ़ी होती है, उस तरह के टेक्सचर और मिल्की स्वाद का मज़ा लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस रेसिपी को कीजिए ट्राई एंड एन्जॉय।